अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद उज़्मा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुरादाबादी बिरयानी की रेसिपी। तो देखिए, यहाँ मैंने 1/2 kg मीट लिया है, कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। यखनी के लिए 1 प्याज लिया, 1 लहसुन, 1 टीस्पून धनिया साबुत, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट, दालचीनी और जावित्री के 1 टुकड़ा लिया है। अब हम कुकर में डालेंगे मीट को। इसे मैंने पहले ही वॉश करके रख लिया था और सारे इंग्रेडिएंट्स जो लिए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं जाता है इसमें। और इसमें मैं डाल दूँगी पानी ताकि ये टेंडर भी हो जाए मीट, और यखनी भी हमारी उसका पानी भी तैयार हो जाए। अब हम इसमें ले लेंगे 3 से 4 सीटी। और यहाँ मैंने देखिए लिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 बाउल मैंने यहाँ लिया है दही, 1/2 बाउल जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ मैंने ली हैं 10 से 12 ग्रीन चिली और ज़ीरा 1 टीस्पून और मिक्स गरम मसाला। ये सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करके अब मैंने एक कढ़ाई में देखिए 1 प्याज ली थी, उसे मैंने ब्राउन कर लिया है। और ये ब्राउन प्याज को मैं निकाल लूँगी। और देखिए, ये बिरयानी जो बनती है ना, ये बहुत टेस्टी मज़ेदार बनती है। मुरादाबादी बिरयानी है ये, और जब आप इसमें ग्रीन चिली डालते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। और इसमें मैंने देखिए जितना मैंने जिंजर गार्लिक डाला था 1/2 बाउल, मतलब ये जो बाउल मैंने दिखाया था ये नहीं, जो कटोरी होती है 1/2 कटोरी जो होती है ना, वो मैंने दही डाला था, इतना ही जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाला था। और ये सारी चीज़ें डालकर हम अच्छे से इसे भून लेंगे। और इसमें यखनी में से देखिए मैंने सारे पीसेस निकाल कर मीट के और इसमें मसाले में मैं डालकर भून रही हूँ। इसे हमें अच्छे से भून लेना है, और जब ये मसाला भुन जाएगा तो इसमें जो हमने सोक करके मतलब 1 kg नहीं थे चावल, 1 kg से तो कम ही थे, तो वो भी मैंने भिगो कर रख लिए थे, 1 घंटा भिगो लिया था, और ये यखनी का पानी छान कर रख लिया था। और देखिए, ये मैं इस तरीके से चलाऊंगी, बस चावल हमारे डिप हो जाए, इतना ही हम पानी इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और इसी पॉइंट पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। नमक मुझे कुछ कम लगा था तो मैंने डाल दिया था, बाद में ऐड नहीं हो सकता, इसी पॉइंट पर आप ऐड करें। और इसे देखिए ढककर मैं फुल आँच पर पकाऊँगी, और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसे भाप में पकाऊँगी। देखिए, हमारी बिरयानी मज़ेदार सी मुरादाबादी बिरयानी तैयार हो चुकी है। देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं, और ये इसमें खुशबू भी इतनी मज़ेदार पूरे घर में महक रही थी इसकी। ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगती है बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए इसकी हम कर लेते हैं प्लेटिंग, इसको डिश आउट कर लेते हैं हम। ये मुरादाबादी बिरयानी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है मज़ेदार सी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे अपनी फ़ीडबैक देना ना भूलें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।